नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलोत्र, आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है दोस्तों, वाई फाइव मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव, इसको इस जो फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको 5 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। वही लिख रहा है वाई फाइव माइनस वाई वन इक्वल टू 4 इंटू वाई बाई एक्स। तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है ना, कितना है दोस्तों, 5 है। तो इस फंक्शन को हम लोग पहले 5 बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद सेटअप करके इसको हम लोग जो फंक्शन जो हमको प्रूव करना है इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि मैंने लिखा है, चूंकि वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कि है इंप्लाइज आर्ट का साइन देते हुए वाई वन इक्वल्स टू यू इंटू वी का फॉर्म में ब्रेक होगा। तो यू को रखते हैं मतलब एक्स को रखेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन, फिर साइन एक्स को रखेंगे मतलब वी को रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डीएक्स डीएक्स कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, इसलिए उसको लिखा ना चूंकि मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ साइन एक्स ही होगा, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ साइन एक्स लिख दिया। अब उसके बाद देखिए सेकंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू इंटू वी, अब यहाँ पर यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यू को रखते हैं तो यू को रखा और वी का डिफरेंशिएट मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जो कि माइनस मैंने पहले ही आगे लगा दिया, इंटू साइन एक्स बीच में प्लस का साइन, अभी तक इसको कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर कॉस एक्स को रखते हैं मतलब वी को रखते हैं और यू का डिफरेंशिएट मतलब एक्स को करेंगे तो इसका वैसे 1 आएगा, मतलब सिर्फ कॉस एक्स रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स ही होता है, तो बीच में प्लस के साइन के साथ कॉस एक्स हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या होगा दोस्तों, वाई टू इक्वल टू यहाँ पर देखिए कॉस एक्स यहाँ पर भी है एक टर्म और दूसरा टर्म एक कॉस एक्स यहाँ पर भी है, दोनों का ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन मतलब कि यहाँ पर आगे में माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका वाई थ्री मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स को रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बीच में प्लस का साइन, फिर साइन एक्स को रखेंगे और एक्स एक्स कैंसिल होकर बाद 1 आएगा, तो और माइनस का साइन को मैंने पहले ही बाहर कर दिया था, बीच में प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 तो कॉन्स्टेंट ही है, वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, सिर्फ माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस डायरेक्टली मैंने लिख दिया साइन एक्स। उसके बाद देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कॉस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली तो पहले से ही था माइनस 2 इंटू साइन एक्स, तो माइनस 2 sin x और साइन एक्स दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस 3 sin x होगा, और ये वाला टर्म बचेगा वैसे रहेगा जो कि है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके बाद देखिए वाई थ्री को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब डायरेक्टली क्या करेंगे वाई फोर मतलब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फोर्थ डेरिवेटिव जो आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें से फिर माइनस हम लोग कॉमन लिखते हैं, इसको यू इंटू वी में ब्रेक करते हैं, तो एक्स को रखते हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जो कि माइनस के साइन के साथ साइन एक्स हो गया, बीच में प्लस का साइन होता है। उसके बाद फिर कॉस एक्स को रखेंगे और एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सिर्फ कॉस एक्स रहेगा ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का जो कि यहीं पे था 3 वैसे का वैसे यहाँ पे है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही। अब देखिए इस माइनस को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब वाई फोर क्या आएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद फाइनली एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ पे देखिए माइनस हो गया कॉस एक्स, और बाहर में तो पहले से था माइनस 3 cos x, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4 cos x मतलब एक्स साइन एक्स माइनस 4 cos x वाई फोर। उसके बाद इसका फिफ्थ डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो फिफ्थ डेरिवेटिव आप जो निकालिएगा तो वाई फाइव इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, इसको भी यू इंटू वी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो यू को रखेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बीच में प्लस का साइन, फिर साइन एक्स को रखेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में करें इसलिए इसका वैल्यू 1, तो डायरेक्टली सिर्फ साइन एक्स लिख कर रहने दिया, बीच में माइनस साइन जो कि वैसे का वैसे है, उसके बाद 4 भी वैसे का वैसे जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अभी माइनस साइन एक्स। उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई फाइव इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स वैसे का वैसे, बीच में प्लस का साइन, साइन एक्स भी वैसे का वैसा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस 4 sin x। अब क्या करते हैं, कल उसके बाद फिर देखिए कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिफ्थ डेरिवेटिव उसके बाद फिर डायरेक्टली जोड़ देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, जिसके वजह से आपको लगातार मतलब जोड़ते नहीं जाना, क्योंकि मैक्सिमम फिफ्थ बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये गलती आप लोग ना दोहराएं कि डायरेक्टली आप क्या करें, फिर से जोड़ दें, उसके बाद फिर करें, फिर जोड़ने के बाद फिर से आप डिफरेंशिएट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इसमें स्टार मार्क लगा दिया है कि इसको जोड़ना नहीं है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने किया है, इसको आपको ऐड नहीं करना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म लाए हैं हम लोग, यही वाला वाई फाई वाला फॉर्म जो कि देख रहे होंगे आप, सेम टू सेम यही वाला फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वाई फाइव इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 sin x, यही तो हम लोगों ने लाया था सिंप्लीफाई करने के बाद इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके प्लेस पे मैंने लिख रहा है क्या, मैंने लिखा है वाई वन, तो वाई वन का डिफरेंशिएशन कितना था दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे तो आया था एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे भी देखिए फिफ्थ डेरिवेटिव सेम टू सेम यही आ रहा है यहाँ पे, एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स, तो इसके प्लस पे हम वाई वन रख सकते हैं, तो वाई वन रखा बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फोर साइन एक्स वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वाई वन को चूंकि पॉजिटिव है ओब्वियसली आर एच एस एल एच एस में लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि वाई फाई माइनस वाई वन होगा इक्वल्स टू फोर साइन एक्स बच गया। अब उसके बाद देखिए मैं क्या किया दोस्तों, वाई फाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू फोर साइन एक्स वैसे का वैसा था, लेकिन इसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और उसी एक्स को डिवाइड मतलब काटने के लिए क्या किया, मतलब कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाए उसके लिए क्या कि डिनोमिनेटर में एक से डिवाइड दिया। देखिए एक्स एक्स कटेगा तो फिर से साइन एक्स आ जाएगा, फोर फोर इंटू साइन एक्स आ जाएगा, तो फिर इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक से मल्टीप्लाई भी किया और एक से डिवाइड भी किया। उसके बाद देखिए फाइनली क्या आएगा दोस्तों, एक्स साइन एक्स क्या था हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा फंक्शन था वाई, जो कि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते होंगे फिर से वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स था, तो देखिए उसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे रखा भी है, तो इसलिए वाई फाइव माइनस वाई वन इक्वल टू फोर, ये वैसे का वैसे रहेगा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके प्लेस पे वाई रख दिया और नीचे जो एक्स था वैसे का वैसे, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेल के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।